सो वेरी वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को पता ही होगा कल आपका रिजल्ट आ गया सिविल लेक्चरर का। आपको फ़ोन करने से ये फ़ायदा हुआ फाइनली रिजल्ट आपको बीपीएससी ने सबमिट कर दे दिया है। इसका रिजल्ट का अपडेट है कल वाला, देख लीजिए। कल दो ब्रांच का रिजल्ट दिया, एक आपका है लेक्चरर सिविल, ठीक है। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स का भी दिया है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। दो ब्रांच का फाइनल रिजल्ट हो गया है, यहाँ से देख सकते हैं आप। कट ऑफ थोड़ा बता देते हैं कितना रहा कट ऑफ इस रिजल्ट का। यहाँ से आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये देखिए रिजल्ट है। इसमें देखिएगा टोटल सीटें 130 थी, उसमें से 128 रिजल्ट सबमिट हुआ है, ठीक है। 425 आपका इंटरव्यू में था शॉर्टलिस्टेड, और उसमें से कैटेगरीज में जहाँ अलग कैटेगरीज में की थी उसके अकॉर्डिंग देखिएगा आप। जल यू आर कैटेगरीज में टोटल सीटें थी आपका 52 में से 32 आपका था मेल के लिए, बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। EWS में देखिएगा तो 13 सीटें थी, SC में था आपका 18 सीट, ST में 2 सीटें, और EBC में था आपका 25 सीट, और BC में 13 सीट, और BC लेडीज़ में आपका 5 सीटें थी, ठीक है। तो ये आपका रहा कट ऑफ सिविल का। इस कट ऑफ में देखिएगा, ठीक है, कट ऑफ को देखिएगा यहाँ से। तो आपको पहले सीटें कितनी थी, UR में आपका सीटें था 52, ठीक है। EWS में था आपका 13, BC में भी था 13, EWS EBC में इस EBC में 22, इसके बाद SC में 18, और ST में 2 सीटें थी। टोटल सीटें ऐड करिएगा तो 130 प्लस आता है, ठीक है। सब में 35% सीटें कितने रिजर्व थी फीमेल कैंडिडेट के लिए, 35% सीटें देखिएगा तो बहुत सीटें होती है। बॉयज़ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स है अब रिजल्ट में, पर गर्ल्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है जिससे रिजल्ट से पता चल जाएगा आपको, और रैंक से भी आप देख सकते हैं कि आपका बॉयज़ का रैंक, मतलब अगर UR और BC कैटेगरी का आप थे तो अगर आपका रैंक 1 से लेकर 50 तक है देन ही आपको सीट मिलेगा आउट ऑफ 425 स्टूडेंट, ठीक है। अगर इस रेंज में आपका नहीं कैटेगरी में पड़ता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेल कैंडिडेट के लिए, बट के जबकि आप अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका रैंक 200 प्लस तक जा रही है, ठीक है। 200 प्लस तक भी आपका रैंक है देन आपको ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका किसका रिटेन का कट ऑफ। आप जब जो रैंक चाहिए था सीट में देखिए 35% आरक्षण में देखिएगा, खासकर BC कैटेगरी का एक देखिएगा। BC कैटेगरी में टोटल सीटें कितना है 13, इसमें से 8 सीटें आपको रखा था मेल के लिए, 5 सीटें था आपका फीमेल का, ठीक है। इसमें से भी देखिएगा 1 सीट इसमें से चला गया फ्रीडम फाइटर का, ठीक है, फ्रीडम फाइटर के लिए। तो टोटल मेल कैंडिडेट का टोटल सिलेक्शन कितना हुआ है 7, और फीमेल का हो गया आपका 5। लेकिन इसमें लास्ट देखिएगा BC लेडीज से भी 4 सीटें गई है। तो टोटल देखिएगा BC कैंडिडेट में आपका 7 को मेल कैंडिडेट क्वालिफाई सेलेक्ट हुए हैं और 9 को फीमेल, और लेकिन टोटल शॉर्टलिस्टेड कितना था 65। दैट मीन्स हुआ फाइनली हम लोगों को 65 में से 13 आदमी को सिलेक्शन हुआ, उसमें से बॉयज़ कितना होगा आपको पता ही होगा। तो बॉयज़ के लिए अब BPSC में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है इन कंपेरिजन टू अदर ब्रांच, तो ये एक डिफ़िकल्टी है बॉयज़ के लिए, ठीक है। बट गर्ल्स सब के लिए फ़ायदा है, कम मार्क्स में भी उन लोगों का सिलेक्शन होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ा कट ऑफ की। कट ऑफ आपको जैसे बताए थे आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ऑलमोस्ट आपका सेम कट ऑफ आ रही है, ठीक है। रिटेन का हो या फाइनल कट ऑफ हो, हम आपको बताए थे कि UR का असिस्टेंट प्रोफेसर में 46 था, बोल दिए थे कि एक नंबर कम जाएगा, 45 ही रहेगा आपको, 46 से ज़्यादा नहीं जाएगा। वही हुआ आपका UR का कट ऑफ कितना गया है 45। वैसे ही UR फीमेल का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में 35 था, आपको हम बता दिए थे कि प्लस 3 से 4 कर लीजिए, 3-4 प्लस करके 38 कर लीजिए, 38 से एक नंबर कम नहीं जाने वाली है, बिकॉज BTEC में लड़की ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसका भी कट ऑफ देखिएगा ऑलमोस्ट सेम चला गया 38। ऐसे ही बताए थे कि गर्ल्स कैटेगरी में हर एक कैटेगरीज में आप प्लस 3 से 4 कर लीजिए, इतना इंक्रीज करेगा, और जबकि बॉयज़ कैटेगरीज में आपको एक नंबर डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है आपका BC कैटेगरी का। देखिएगा जब असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आपका
43 प्लस था लेकिन इसमें 44 प्लस है, तो एक कैटेगरीज का मार्क्स इंक्रीज हो गया है। बाकी कैटेगरीज का देखिएगा जितना हम आपको कट ऑफ बताए थे उतना ही आपको जा रहा है। तो जितने भी 128 स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हुए हैं और टॉप 425 में से, ठीक है, 396 इंटरव्यू में अपियर हुए थे, सभी को ऑल द बेस्ट, बधाई, बहुत बहुत बधाई। चाहिए आप लोग ज्वाइन करिए, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी है कि आप थोड़ा प्रिपरेशन करिए। आप एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं, बीपीएससी में आपको फिर से वैकेंसीज आ रही है, कुछ सीटें लेक्चरर का भी उसमें सिविल का, अभी तक जो सीटें फाइनलाइज हुआ है 35 प्लस हो चुका है आगे, और इंक्रीज हो सकती है। मान लीजिए इसमें बहुत सारा ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, जैसे आपका जो टॉपर है योगेंद्र, ठीक है, वो ऑलरेडी यूपी में एई है, तो पक्का है वो अपना ज्वाइनिंग नहीं लेने वाले। तो ऐसे सीटें बहुत कम ही ज्वाइनिंग लेने वाले, 130 में से आप मान लीजिए कम से कम 20 ऐसा स्टूडेंट है जिनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं हो चुका है, तो ये लोग तो ज्वाइनिंग लेने वाले हैं। तो इस तरह से सीट आपका माइनस में चला जाएगा, चूँकि आपको पता ही है वेटिंग लिस्ट नहीं निकलता है बीपीएससी में, तो ये सीट फिर से एग्जाम्स में आने वाली है। तो इसीलिए आप लोग अच्छा से पढ़िए, जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया वो ज्वाइनिंग कर लीजिए, और आपके लिए अच्छा ही है, पढ़िए, अच्छा से पढ़ाइए बच्चे को, अच्छा रहेगा। बट उसमें भी एक लफड़ा है, ज़्यादा आप लोग भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपका केस का कुछ फाइनल नहीं होता है, जब तक आपको पता ही है केस है, ठीक है, तो आप ज़्यादा उछलिएगा नहीं, जाके अपना ज्वाइन करिए, इन्जॉय करिए, बट केस है, ये याद रखिएगा, केस है, कुछ भी हो सकता है। बहुत बार कैंसिल हो चुका है ज्वाइनिंग वाले को, तो ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, जाके ज्वाइन करिए, अपना इन्जॉय करिए। तो यही था देखिए कट ऑफ आपका। दूसरा कट ऑफ इकोनॉमिक्स का था, इकोनॉमिक्स में हम पहले ही बता दिए थे कि अगर उसमें पीएचडी होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स बारे में हम बता दिए थे कि अगर उसमें पीएचडी कैंडिडेट है तो पीएचडी पे डिपेंड करेगा, बिकॉज जब आप रिटेन का देखिएगा 45% है, इंटरव्यू है आपका 15, बीटेक का है 10%, एमटेक का है आपका 5% और पीएचडी है 5, तो ये 5% चूँकि इकोनॉमिक्स वाले में हम लोग की तरह नहीं है, ठीक है, उधर होता है एमएससी, एमफिल, इस तरह से होता है। इकोनॉमिक्स में तो होगा बीबीए, एमबीए, इस तरह का कोर्सेज है, तो उधर पीएचडी अगर एक दो भी मिल गया पीएचडी, तो आपका कट ऑफ को हाई कर देगा। इसीलिए उन लोग का देखिए यूआर का कट ऑफ 50+ है, रीज़न यही है, पीएचडी स्टूडेंट, अदरवाइज कुछ नहीं, वही 44 होना चाहिए, बट पीएचडी के कारण 5 नंबर ऐड कर दीजिए, अगर एक भी कैंडिडेट मिलेगा तो कट ऑफ को क्या करेगा, वो हाई कर देगा। बाकी देखिएगा कट ऑफ सेम ही है, जैसे सिविल का है 45, इसमें पीएचडी का 5 नंबर जोड़ दीजिएगा तो 50+, तो कट ऑफ यही जाएगा। तो बाकी जितने भी आगे एग्जाम्स होने वाली है आपका, देखिए मोर लेस ऐसे ही कट ऑफ रहेगा। आप तो दो ब्रांच का रिजल्ट आ गई है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि लेक्चरर का कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आगे जो आगे एग्जाम्स होने वाली है, जितने रिजल्ट एग्जाम नहीं रिजल्ट आने वाली है जितने का, उसमें से आप बचा हुआ है लेक्चरर, सीएससी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस तरह से बहुत सारे ब्रांच हैं, तो इस सबके ब्रांच का कट ऑफ देखिएगा मोर एंड लेस इसी तरह से रहने वाले, ठीक है। इसके बाद एक है बीपीएससी सैनिटरी। तो बीपीएससी सैनिटरी में हम पहले से बता रहे हैं, जिसका भी मार्क्स 65% से कम है, ठीक है, आप लिखा के रख लीजिए 65% कितने होगा, 130। खासकर ये है यूआर, हम बार बार बोलते हैं यूआर और बीसी मेल कैंडिडेट की हम बात करते हैं हमेशा, ठीक है, बाकी कैटेगरी का मार्क्स बहुत नीचे ऊपर जा सकती है, बट बीपीएससी सैनिटरी की इम्पोर्टेंट बात होता है, याद रखी गई बात है कि बीपीएससी सैनिटरी एग्जाम्स, ठीक है, जो रिजल्ट आपको 31 मार्च को आने वाली है, 31 मार्च 2023, इसमें याद रखिएगा जिसका भी 65% से कम मार्क्स है, कम लेस, ठीक है, और दो कैटेगरी खासकर यूआर और बीसी मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इससे कम नंबर है तो आप भूल जाइए अभी इसे, बाद में फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है कि रिजल्ट आने के बाद आप फ्रस्ट्रेट होइए, उससे पहले ही कंफर्म हो जाइए कि आपका नहीं होने वाला है, ठीक है, अभी से मान टाइपनेस हुआ, अगर आपका 130 नंबर से कम है 200 में, ठीक है, 200 नंबर की बात हम कर रहे हैं, 125 क्वेश्चन से 125 × 0.8 है 100 मार्क्स एक पेपर का, और 125 × 0.8 100 मार्क्स दो पेपर का, ठीक है, टोटल 200, अगर टोटल 200 में अगर आपका 130 नहीं आ रहा है तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा, इस दिस दो कैटेगरी की बात हम करें, बाकी का नहीं, अगर इससे कम है तभी इसे भूल जाइए, और एग्जाम के प्रिपरेशन करिए, इस रिजल्ट के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो बहुत के साथ धोखा हो चुका है, जो 3 महीना गया है ना ये लेक्चरर के लिए, बहुत बर्बाद टाइम बर्बाद कर दिए,
जो कट ऑफ जा रही है उस हिसाब से, बिकॉज 35% जब भी आरक्षण है ना आपको सीट नहीं बचने देता है ना। 130 में से आपका 13 सीट है, उसमें से मेल कितना है, 7 है बीसी कैटेगरीज में, कहाँ से सीट मिलेगा, इम्पॉसिबल है ना मिलना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि 10 बच्चे 1% बच्चा जो है जो 70% स्कोर नहीं कर सकता, आराम से कर लेगा, ठीक है ना। जो 10 साल से पढ़ रहा है, 5 साल से 3 साल से पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनका इसको 70% लाना ईजी है। और बार बार हम एग्जाम्पल देते हैं 01/2019 का, देखिए कट ऑफ, जो कोई आपको बता रहा है कि कट ऑफ कम गया है, अरे भाई 280 से कम पे सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी का बीसी और यूआर कैटेगरी मेल कैंडिडेट का, ठीक है। आउट ऑफ 400 जोड़ लीजिए कितना होगा, 280/400 कितना होगा, 70% है, उसमें भी इंटरव्यू नहीं था। तो इंटरव्यू नहीं है तो आपका 70% जाना है, बट ये बीपीएससी ये सैनिटरी का इसमें इसलिए हम कम कर रहे हैं 65%, रीज़न है इसमें एक नॉन टेक्निकल पेपर है, ठीक है, और दूसरा भी नॉन टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन हो गया, वो टेक्निकल नहीं है। सैनिटरी जो वेस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, बट वो सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी हुआ, जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है कुछ और है, ठीक है, और जो ये सैनिटरी वाला क्वेश्चन बनता है कुछ और है। ऐसा नहीं है कि जो सिविल इंजीनियर होगा जाके लिख दिया होगा, वो भी तुक्का ही मारा होगा, 125 में से 40 क्वेश्चन, मिनिमम 40 क्वेश्चन वो तुक्का ही मारा होगा, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना तुक्के मार के लाया होगा, उसमें से करेक्ट हो सकता है, इम्पॉसिबल है, बट वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाया होगा। वैसा नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लिया तो सैनिटरी का क्वेश्चन कर सकता है, इम्पॉसिबल है। अगर कोई एमटेक भी कर रखा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, तो उनके लिए आपका 90 क्वेश्चन ईजी था, उनके लिए भी 30 क्वेश्चन उतना भी ईजी नहीं था, ठीक है, जब स्पेशलाइज होगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इस तरह से पेपर है, तो अगला आप लोग देख लीजिए रिजल्ट जो अगला आने वाली है, आगे के लिए सब ऑल द बेस्ट, आराम से प्रिपरेशन करिए। जिनका नहीं हुआ है, खासकर जिनका नहीं हुआ है, वो ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए रिजल्ट फिर से वैकेंसीज आ रही है, प्रिपरेशन करते रहिए। बट इस टाइम पे थोड़ा दुख तो लगता है, बिकॉज 425 में से 130 का हो रहा है, बाकी का तो दुख लगेगा ही, और जिनका हो गया उनको भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज केस है, ये मान के चलिए केस है, ठीक है। तो जब तक आप है ठीक है, जिस दिन केस एक दिन होता है तो सब पलट सकता है, तो इसलिए आप लोगों को भी ज़्यादा खुशी होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आई वर्क मैनी इंस्टीट्यूशन, सो मेरे पास कुछ है एक्सपीरियंस, उसी के बेसिस पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा खुश होइए नहीं, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। इसी यही आज का वीडियो था, आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ जिनको जिनको पता ही चल गया होगा, आप इस तरह से कट ऑफ था अगर हर एक ब्रांच का, ठीक है। इसके अलावा 2-3 को का फाइनल रिजल्ट फाइनल आंसर की दिया है, आप विद इन द 1 मंथ, आपका 15 अप्रैल से पहले कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जिसका रिजल्ट पेंडिंग रहेगा, जब आप पूरे इंटरनल पता चल गया पूरे फाइनलाइज कि 15 अप्रैल से पहले आपका सबका रिजल्ट आ जाएगा, कोई भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं रहने वाला है बीपीएससी के अंदर, जिसका एग्जाम हो गया है, जो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा है कि 15 अप्रैल से पहले कोई भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं रहेगा, ये ऑर्डर है ऊपर से, ठीक है। ये किसका फायदा है, जो आप लोग कॉल किए डिफरेंट कॉल, आपको बताए थे ना कॉल करिए आपका रिजल्ट दे देगा, क्योंकि रिजल्ट जब रेडी है, क्योंकि फरवरी में ही रिजल्ट रेडी थी, जब फरवरी में जो लास्ट टाइम कॉल करके पता किया गया था तो रिजल्ट उसी टाइम पे बता रहे थे रिजल्ट रेडी है, कभी भी आपको पब्लिश कर सकती है। इसीलिए आप लोग आप टेंशन ले लीजिए, कूल रहिए, जिनका होगा जिनका अच्छा मार्क्स है, जिनका भी 62-64% मार्क्स है, ठीक है, वो कूल रह सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट सैनिटरी वाले में 65% से नीचे वाले, खासकर यूआर और बीसी मेल कैंडिडेट, आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए ना, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद छोड़ दीजिए कि मेरा होने वाला है, और किसी और एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है, उसके भरोसे नहीं रहिए, बिकॉज उसमें आपका 0.1% भी चांस नहीं है, ठीक है। कुछ हो जाए तभी आपका पॉसिबल है कि सिलेक्शन होगा 65% तक, 130 नंबर तक की बात करें, नहीं तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, थैंक यू।